सबसे पहली बात, प्रोनाउन को अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये नहीं होता। प्रोनाउन इज नॉट कि भाई पक्का आएगा पेपर में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आता रहता है ये कह सकती हूं, मतलब 50-60% पॉसिबिलिटी है कि आता रहता है। इसमें भी नाउन है, नाउन यानी किसी भी चीज का नाम, और प्रो का मतलब होता है बेटा एट द प्लेस ऑफ। मुश्किल भाषा में इन्हें इन लियू ऑफ कहते हैं, एट द प्लेस ऑफ या इन लियू ऑफ एक ही बात है। एट द प्लेस ऑफ या इन लियू ऑफ हिंदी में कहते हैं के स्थान पर, और नाउन का मतलब हो गया नाम। तो बेसिकली ऐसे शब्द जिन्हें नाम की जगह पे यूज किया जाता है वो प्रोनाउन होते हैं। इन्हें नाम की जगह पे इसलिए यूज करते हैं ताकि नाउन को रिपीट ना करना पड़े। तो नाउन की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए इंग्लिश में किन का यूज होता है? प्रोनाउन का। जहां जहां भी हम नाउन के रिपीटिशन को अवॉइड करना चाहते हैं, हर उस जगह पे इंग्लिश किसका यूज करेगी? प्रोनाउन का। आपका एग्जामिनर प्रोनाउन को पूछता है लगभग 12 तरीके से, यानी प्रोनाउन की 12 टाइप हैं जो आपने पढ़नी होती हैं। सबसे पहला हो गया पर्सनल, दूसरी टाइप जो मैं आपको पढ़ाऊंगी वो इंटरोगेटिव, तीसरी टाइप जो प्रोनाउन में होगी बेटा वो रिलेटिव, चौथी टाइप जो हम सीखेंगे वो रेसिप्रोकल। पर्सनल, इंटरोगेटिव, रिलेटिव, रेसिप्रोकल के अलावा इनडेफिनेट, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, इसके अलावा बेटा पोजेसिव, एक्सक्लेमेटरी, कंपाउंड इंटरोगेटिव, कंपाउंड इंटरोगेटिव। ये वो सारी टाइप्स हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। 12 होगी होंगी बेटा, हम एरो लगा देते हैं जिससे आपको क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, अब आप एरो गिनोगे तो ये 12 एरो हैं आपके। सबसे पहले, सबसे छोटी, सबसे इंपॉर्टेंट टाइप डिस्कस करती हूं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का सही मतलब होता है उल्टा, और इंग्लिश में ये दो शब्द होते हैं जिनके मीनिंग आपस में उल्टे होते हैं, ईच अदर और वन अनदर। इन दो के अलावा कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसे इंग्लिश ने रेसिप्रोकल मान रखा हो। इन दो के अलावा कोई भी शब्द ऐसा नहीं है जिसे इंग्लिश ने क्या मान रखा है? रेसिप्रोकल। तो अगर पेपर में रेसिप्रोकल प्रोनाउन आएगा तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि या तो सेंटेंस में ईच अदर दिखेगा या सेंटेंस में वन अनदर दिखेगा। अब बात यह है कि एरर कैसे बनेगा, क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान से सुनो। ईच अदर सिर्फ वहां लगता है बेटा जहां बात दो की हो, और वन अनदर वहां लगता है जहां बात दो से ज्यादा की। तो जब जब आपका एग्जामिनर दो लोगों की बात करेगा ईच अदर लगाना है, जब जब आपका एग्जामिनर दो से ज्यादा लोगों की बात करेगा वन अनदर लगाना है। ईच अदर फॉर टू, वन अनदर फॉर मोर देन टू। जैसे मैंने कहा सोनू एंड मोनिका आर टॉकिंग टू वन अनदर, सोनू एंड मोनिका आर टॉकिंग टू वन अनदर, बताओ क्या गलती है? सोनू और मोनिका दो ही लोग हैं और दो के लिए वन अनदर नहीं, क्या आता है? ईच अदर। बस इतनी सी बात है, बोलो रेसिप्रोकल समझ आ गया? डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना, बंटवारा करना, चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो इसमें 7 शब्द आते हैं, जैसे ईच शब्द बंटवारे के लिए आता है इंग्लिश में,
नन शब्द बंटवारे के लिए आता है, एनी भी डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देता है, ऑल डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देता है, बोथ डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देता है, बोथ के अलावा इधर नीदर शब्द भी डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देते हैं। ओके ये सारे वर्ड्स इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ये सारे वर्ड्स जो आपके सामने हैं ये क्या कहलाते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। तो ईच हमें हर उस जगह पे यूज करना होता है जहां या तो बात दो लोगों की या दो से ज्यादा की, नन सिर्फ दो से ज्यादा के लिए, एनी सिर्फ दो से ज्यादा के लिए, ऑल सिर्फ दो से ज्यादा, बाकी ये सारे शब्द किन्हीं दो के लिए, बाकी ये सारे शब्द किन्हीं दो के लिए, कि बोथ भी दो के लिए, इधर भी दो के लिए और नीदर भी दो के लिए, ये कहीं भी दो से ज्यादा के लिए। कैसे एरर कैसे बनेगा, क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जामिनर ने लिख दिया इधर ऑफ द थ्री गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, इधर ऑफ द थ्री गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। तो अब हमारे बच्चे को एग्जाम में ये पता होना चाहिए भाई बात वो कर रहा है तीन लड़कियों की, जबकि इधर शब्द तो दिखाता सिर्फ दो को है, यानी कोई ऐसा शब्द आना चाहिए जो दो से ज्यादा को दिखाए। अब दो से ज्यादा को तो ईच भी दिखा रहा है पर वर्ब सिंगुलर लेता है, हमारे सेंटेंस में प्लूरल है। नन भी दो से ज्यादा को दिखा रहा है पर वर्ब सिंगुलर लेता है, हमारे सेंटेंस में प्लूरल है। एनी दो से ज्यादा को दिखाता है और वर्ब सिंगुलर लेता है और हमारे सेंटेंस में तो प्लूरल है। ऑल दो से ज्यादा को भी दिखाता है और वर्ब भी प्लूरल लगाता है, ये तीनों भी वर्ब सिंगुलर लेते हैं, सिर्फ इनमें से ऑल ऐसा नहीं, बोथ भी प्लूरल लेता है, बोथ के साथ वर्ब प्लूरल, क्योंकि दोनों की बात करता है ना, इधर नीदर वर्ब सिंगुलर लेते हैं। बेटा सेंस को समझो, सेंस क्या कह रही है? ईच बहुतों में से एक, तो दिखा तो बहुतों को रहा है ना पर बात एक ही कर रहा है इसलिए वर्ब सिंगुलर। नन कईयों में से एक भी नहीं, एक भी नहीं इसलिए सिंगुलर हो गया। एनी कईयों में से कोई एक, तो दिखाता कईयों को है पर बात एक की करता है इसलिए वर्ब सिंगुलर हो जाती है। ऑल दिखाता भी कईयों को है और बात भी कईयों की करता है इसलिए दो से ज्यादा के लिए और प्लूरल के लिए लग रहा है। आइदर का मतलब दो में से कोई एक, नीदर का मतलब दो में से कोई भी नहीं और बोथ का मतलब दोनों, तो इस हिसाब से वर्ब लग रही हैं। अब यहां सारी मतलब तीन लड़कियां हैं तो इधर की जगह क्या लगा सकते हैं फिलहाल? ऑल, देखो हाँ आंसर सही दे रहे हो। शायद बेटा नहीं लगा पाऊंगी ईच, क्योंकि आर लिखा है और ईच को वर्ब सिंगुलर चाहिए होती है, ईच जहां भी लगाओगे उसको वर्ब चाहिए सिंगुलर। बताओ फटाफट, क्लैरिटी आई हो तो डालो थम्स अप। वैसे एक बात बताती हूँ मैं आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव के ना ब्लैंक ज्यादा आते हैं, एरर कम आते हैं, ब्लैंक ज्यादा मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ब्लैंक में वो ऑप्शन ऐसे सेट कर सकता है कि आप कोई एक चुन सको, नहीं तो ज्यादातर दो 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 एक जैसों को दिखा रहे। डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है पॉइंट आउट करना, किसी की तरफ इशारा करते हुए उसके बारे में कुछ कहना, पॉइंटिंग आउट समथिंग समबडी समवन, डेमोन्स्ट्रेटिव से दिखाते हैं। और पॉइंट आउट करने के लिए इंग्लिश में चार शब्द आते हैं, दिस दैट दीज और दोस। इन चार के अलावा कुछ किताबें सच और सेम भी लिख देती हैं, पर सच और सेम ना एडजेक्टिव के तौर पे ज्यादा आते हैं इंस्टेड ऑफ प्रोनाउन, तो इसलिए मैं उन्हें प्रोनाउन में नहीं लिखती हूँ, एडजेक्टिव्स में फिर भी मैं लिख देती हूँ। तो आपको ये चार शब्द याद रखने हैं और किसी भी लाइन में दिखे तो आप समझ जाओ कि वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव के ये दिस दैट दीज दोज हमारे एग्जाम्पल हो गए, यानी पहचानने का तरीका हो गया। अब बात ये आती है क्वेश्चन कैसे आएगा और नंबर कटने से बचाना कैसे है। तो क्वेश्चन बनता है कॉन्सेप्ट पे और कॉन्सेप्ट कहता है दिस सिंगुलर को दिखा सकता है और उस चीज को जो आपके पास है, दैट सिंगुलर को दिखा सकता है पर आपसे दूर होनी चाहिए वो चीज, दीज प्लूरल को दिखाता है पर चीज पास होनी चाहिए, दोज प्लूरल को दिखाता है पर चीज दूर होनी चाहिए। एक तरीके से दिस का प्लूरल दीज होता है
और दैट का प्लूरल दोज होता है. दिस और दीज पास के लिए आते हैं, दैट और दोज दूर के लिए आते हैं. दिस हमारा पास के लिए आता है, दैट दूर के लिए, दीज पास के लिए, दोज दूर के लिए. दीज प्लूरल होता है, दोज भी प्लूरल होता है, दिस और दैट सिंगुलर होते हैं. अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, पहले तो कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझ लो. सपोज एक इंसान तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे. अब मैं अपने लिए बात कर रही हूं, तो मेरे ज्यादा नजदीक ये है और दूर ये है, तो मैं इसको तो कहूंगी दिस और इसे मैं कहूंगी दैट. अगर अब ये दो दो लोग हो जाएं, तो मैं इन दोनों को तो कहूंगी दीज और इन दोनों को कहूंगी दोज. ये है कॉन्सेप्ट. जो आपके पास वो दिस और दीज, जो आपके दूर वो दैट और दोज. सिंगुलर है तो दिस दैट और प्लूरल है तो दीज और दोज. ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखना है. अब क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन बन गया दिस बुक्स आर एक्सपेंसिव. आपके हिसाब से क्या गलती हो रही है, तो हमें दिस को दीज बनाना है. ये है साधारण सिंपल एरर. इसी को कॉम्प्लिकेट करेगा, मतलब सेम टाइप होगी लेकिन एरर को कॉम्प्लिकेट करेगा. कैसे, उसने लिख दिया द पेंस ऑफ दिस शॉप आर मोर एक्सपेंसिव देन दैट ऑफ दैट शॉप. सेंटेंस को ध्यान से पढ़ के गलती बताने की कोशिश करो. द पेंस ऑफ दिस शॉप, इस दुकान के पेंस महंगे हैं उस दुकान की बजाय. इस दुकान के पेन, उस दुकान की पेन की बजाय महंगे हैं. तो आपको ध्यान दो, इस दुकान के क्या हैं, पेंस. तो उस दुकान के भी तो क्या होंगे, पेंस. इस दुकान के पेंस की तुलना उस दुकान के पेंस से ही तो होगी ना. और जब पेंस प्लूरल है तो दैट थोड़ी लग सकता है. पेंस के लिए क्या लगना चाहिए, दोज, क्योंकि दैट तो सिंगुलर होता है और दोज इंग्लिश में प्लूरल होता है. जल्दी बताओ, था ना कॉम्प्लिकेटेड, इसीलिए ये एरर टफ है. इसीलिए ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है. उसने कहा द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर मोर इंटेलिजेंट देन दैट ऑफ दैट क्लास. सेंटेंस को समझो और कोशिश करो. बोथ द गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, बोथ द गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, बट दिस इज मोर इंटेलिजेंट देन दोज. कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, इस क्लास के स्टूडेंट्स है ना, तो उस क्लास के भी कौन होने चाहिए, स्टूडेंट्स. अब नाउन को रिपीट ना करना पड़े इसीलिए तो प्रोनाउन आते हैं. तो दैट एक प्रोनाउन है, स्टूडेंट्स की जगह पे लगा हुआ है, पर स्टूडेंट्स तो प्लूरल हैं, तो दैट थोड़ी ना हो सकता है. दैट का भी क्या होगा, प्लूरल होगा. और दैट का प्लूरल कौन होता है, दोज होता है. दैट का प्लूरल कौन होता है, दोज होता है. अब नीचे वाला क्वेश्चन देखो,
ये कह रहा है दोनों लड़कियां इंटेलिजेंट हैं। सपोज दो लड़कियों की हम बात कर रहे हैं, दोनों लड़कियां, अब ये कोई दो लड़कियां बना दी भाई मैंने, ये क्या बोल रहा है दोनों लड़कियां इंटेलिजेंट है, दिख रहा है बोथ द गर्ल्स आर इंटेलिजेंट। अगले क्वेश्चन को, अगले सेंटेंस को फील करना, बट दिस इज इंटेलिजेंट देन, दो में से अगर आगे वाली दिस है तो पीछे वाली क्या होनी चाहिए, दैट होनी चाहिए, और मैं क्या लगा रही हूं दोज, तो सही आंसर क्या बनेगा, दैट बनेगा। टोटल दो ही तो लड़कियां हैं, बोथ का मतलब अभी तो बताया था दो होता है, बोथ का मतलब अभी बताया था ना दो होता है, तो टोटल दो ही लड़कियां हैं। आप दो में से एक को अगर दिस कह रहे हो तो दूसरी दैट हुई ना, और मैं क्या कह रही हूं दोज कह रही हूं। यहां पे अगर स्टूडेंट्स की बात कर रहे हो तो दोज आएगा ना, दैट थोड़ी ना हो सकता है, दीज भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्टूडेंट्स तो प्लूरल है और बाद वाला है, आगे वाली क्लास तो दिस हो गई, बाद वाली क्लास की बात हो रही है तो दोज हो गई, समझिए, पहले वाला दिस बाद वाला दैट। मैंने कहा दीज शर्ट्स आर एक्सपेंसिव देन दैट शर्ट्स, करो ट्राई। तो हम समझ गए शर्ट्स दीज हैं, तो ये वाली शर्ट्स भी तो ये देन होना चाहिए, ये मेरी गलती है, बाकी ये वाली शर्ट्स भी तो प्लूरल हैं, तो दैट की जगह क्या होगा दोज होगा। रेसिप्रोकल हमने डिस्कस कर लिया, डेमोन्स्ट्रेटिव हमने डिस्कस कर लिया, डिस्ट्रीब्यूटिव और हमने डिस्कस कर लिया एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी पेपर में नहीं आता, जीरो तरीके से इसके एरर बनते हैं, इसलिए हमने ये भी कर लिया, तो चार टाइप्स हो गई, ठीक है। रेसिप्रोकल डन, डेमोन्स्ट्रेटिव डन, डिस्ट्रीब्यूटिव डन, एक्सक्लेमेटरी डन। अब हम पोजेसिव कर सकते हैं, एक बार इन टाइप्स से गो थ्रू हो जाओ। दिस वॉज रेसिप्रोकल, दिस वॉज डिस्ट्रीब्यूटिव, दिस वॉज डेमोन्स्ट्रेटिव, अनदर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल एंड अनदर एग्जाम्पल एंड डन। पोजेसिव का मतलब है जहां पे हम किसी ना किसी तरीके से अधिकार दिखाने की बात कर रहे हो, इसके लिए पर्टिकुलरली कुछ वर्ड्स हैं जैसे माय, आर, योर, हिज, हर, देयर, इन्हीं का प्रोनाउन फॉर्म माइन, आर्स, yours, his, hers, theirs, ये सारे वर्ड्स इंग्लिश में पोजेसिव के नाम से जाने जाते हैं, जिनमें लेफ्ट वालों को हम कहते हैं पोजेसिव एडजेक्टिव्स और राइट वालों को हम कहते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस। लेफ्ट वाले क्या हैं, पोजेसिव एडजेक्टिव, राइट वाले क्या है पोजेसिव प्रोनाउन, ये क्या है एडजेक्टिव्स और ये क्या है प्रोनाउंस। अब हमें ध्यान क्या करना है, एडजेक्टिव्स का यूज हमेशा नाउन के साथ होता है, यानी नाउन होगा तो ही इनमें से कुछ आएगा, अगर नाउन नहीं होगा तो ही तो प्रोनाउन आएंगे। प्रोनाउन का मतलब क्या है, नाउन की जगह पे, यानी नाउन नहीं होना चाहिए। एडजेक्टिव का मतलब क्या है, नाउन के लिए, यानी नाउन होना चाहिए। तो अगर इन वर्ड्स को यूज करो तो नाउन के साथ करना, नियम ये कह रहा है। तो ये सारे वर्ड्स जो है वो किसके साथ आएंगे, नाउन के साथ, और ये सारे वर्ड्स किसके साथ आएंगे, बिना नाउन के। अब बात ये आती है कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। एग्जामिनर ने कहा आर इज अ ग्रेट कंट्री, आर इज अ ग्रेट कंट्री। अब आप ध्यान से देखो, ये जो इज है ना, ये नाउन तो पक्का नहीं है, नाउन तो किसी भी चीज का नाम होता है, इज नाउन तो पक्का नहीं है, यानी हमें नाउन नहीं दिया गया, हमें नाउन
नहीं दिया गया है। अब नाउन नहीं दिया गया तो प्रोनाउन होना चाहिए, जबकि आर लिख रखा है, आर क्या है, एडजेक्टिव होना चाहिए प्रोनाउन। तो एरर ये है कि आर की जगह आर्स होगा, आर की जगह आर्स होगा, समझे हम। एक और करते हैं, मैंने बोला दिस इज माइन क्लास, क्या गड़बड़ लग रही है, क्योंकि अब की बार हमें दिख रहा है क्लास है नाउन और नाउन से पहले आते हैं एडजेक्टिव, नाउन से पहले कौन आते हैं एडजेक्टिव। अब माइन कहां पे लिख रखा है, प्रोनाउन वाली तरफ, होना क्या चाहिए एडजेक्टिव होना चाहिए, तो माइन का एडजेक्टिव फॉर्म हो गया माई, तो सही सेंटेंस हुआ दिस इज माय क्लास। आपके बैच में लास्ट क्लास में मैंने प्रोनाउन की कुछ टाइप्स पढ़ाई थी और मैं कह के गई थी कि अगली क्लास की शुरुआत हम प्रैक्टिस से करेंगे, तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन की प्रैक्टिस है आपके सामने, जिसमें रेसिप्रोकल का मतलब दो शब्द ईच अदर और वन अनदर, ईच अदर हर उस जगह आएगा, ईच अदर हर उस जगह लगाना है जहां बात दो की, और वन अनदर हर उस जगह जहां बात दो से ज्यादा की। तो क्या लिखा है, द फाइव सिस्टर्स, अब पांच जो है वो दो से ज्यादा होता है, दो से ज्यादा होता है तो ईच अदर नहीं आएगा, क्या होना चाहिए वन अनदर। इस तरीके से आपने सॉल्व करने हैं बेटा, एक मैंने कर दिया, चार आप करो, बहुत बढ़िया, ऑलमोस्ट सभी ने ठीक सॉल्व कर दिया है। द टू मेन स्ट्रक, देखो टू देखते ही समझ जाओ ईच अदर आएगा, सिक्स देखते ही समझ जाओ वन अनदर आएगा, ऑल दो से ज्यादा को दिखाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव में सिखाया था वन अनदर आएगा, मीना और रमन दो ही हैं इसलिए ईच अदर आएगा, समझे। रेसिप्रोकल पहली टाइप सिखाई थी मैंने आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव दूसरी, ये अब आपके सामने डिस्ट्रीब्यूटिव के क्वेश्चन है, ठीक करेंगे एक बार सभी बच्चे, सभी सॉल्व करने की कोशिश करें। चलिए अब मैं आंसर बताती हूं, नन ऑफ द टू सिस्टर्स, देखो नन दो से ज्यादा के लिए आता है, दो के लिए नहीं, तो ए में गलती हो गई, नीदर लगा सकते हो, यहां भी दो की बात हो रही है तो नन की जगह नीदर लगा सकते हो, यहां तीन की बात हो रही है सही है क्योंकि ईच दो को भी दिखा देता है, दो से ज्यादा को भी, बाकी आप चाहो तो एनी भी लगा सकते हो, वैसे ये सही है, एनी ऑफ द टू, दो के लिए एनी नहीं आता, एनी दो से ज्यादा के लिए आता है, तो ईच वन ऑफ द टू कर सकते हो, नीदर या इधर लगा सकते हो, वो भी दो दो के लिए आते हैं। शी वॉज मोर ब्यूटिफुल देन ईदर ऑफ, देखो तीन बहनों की बात हो रहा है, इधर तो दो के लिए आता है तो एनी लग सकता है, ऑल लग सकता है, समझ रहे हो। ये टाइप्स मैं आपको पिछली क्लास में पढ़ा के गई थी और कहा था कि अगली क्लास में प्रैक्टिस कराऊंगी। ये लो डेमोन्स्ट्रेटिव, जिसमें आपको सबसे ज्यादा दिक्कत आई थी, याद है पिछली क्लास डेमोन्स्ट्रेटिव में आप कह रहे थे और एग्जाम्पल दो और एग्जाम्पल दो, गलत हो रहे हैं, ये लो डेमोन्स्ट्रेटिव, दिस दैट दीज दोज वाला करो बेटा ट्राई। पिछली क्लास में मैं क्लियर करके गई थी ना कि आज हम प्रैक्टिस करेंगे, तो वी आर डूइंग प्रैक्टिस। चलिए मैं बताती हूं बेटा, अब देखो पहले क्वेश्चन में लिखा है बोथ गर्ल्स आर बोल्ड, दोनों लड़कियां बहादुर हैं, बट दिस इज, आगे वाली अगर दिस है तो पीछे वाली क्या होगी, दैट होगी, दीज काइंड्स ऑफ होना चाहिए, दीज काइंड्स ऑफ बुक्स आर ऑथेंटिक, बाकी ये ठीक है, काइंड्स ऑफ होगा तो पूरा ठीक है ये, द रोड्स, रोड है कांकर बाग के, आर वाइडर देन दोज ऑफ राजेंद्र नगर होना चाहिए, वाइडर देन के बाद यहां क्या होना चाहिए, दोज ऑफ, क्यों होना चाहिए मैम दोज ऑफ, क्योंकि रोड्स की तो बात हो रही है ना, राजेंद्र नगर के भी रोड्स, तो रोड तो रिपीट कर नहीं सकते, नाउन तो रिपीट कर नहीं सकते, इसलिए रोड्स प्लूरल है तो दोज लगा दिया। एल्कोहल एंड टबैको आर बोथ इंजीरियस, दिस परहैप्स लेस इंजीरियस, देखो आगे वाला दिस है तो पीछे वाला दैट होगा, क्योंकि टोटल दो ही तो चीजें हैं, अगर ये दिस है तो ये दैट होगा। द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास, आगे वाली क्लास अगर दिस है तो पीछे वाली दैट होगी, दैट लगा हुआ है, पर आगे वाली क्लास के स्टूडेंट्स हैं
तो पीछे वाली क्लास के भी तो कौन है, स्टूडेंट्स हैं, और स्टूडेंट्स तो प्लूरल है, दैट तो सिंगुलर है, तो दैट को प्लूरल बनाएंगे दोस। समझे बच्चों? इनडेफिनिट की स्पेलिंग भी नोट कर लेना, बहुत एग्जाम्स में आती रहती है। इनडेफिनिट का मतलब होता है ऐसे शब्द, ऐसे प्रोनाउन जिन्हें हम नाउन की जगह पे लगा तो देते हैं लेकिन हमें क्लैरिटी नहीं मिल पाती कि बात किसकी हो रही है। जिसे हम नाउन की जगह पे लगा तो देते हैं लेकिन हमें क्लैरिटी नहीं मिल पाती कि एक्चुअली में बात किसकी हो रही है। सब्जेक्ट है फिर भी क्लियर नहीं है कि बात किसकी हो रही है, कैसे? तो हमें ना क्लैरिटी नहीं होती कैसे। सपोज आप बस में सफर कर रहे हो, जब आप बस से उतरे तो आपका पर्स चोरी हो गया, घर जाके मम्मी को क्या बताओगे? किसी ने मेरा पर्स चुरा लिया। तो काम को करने वाला कोई तो है पर मुझे नहीं पता वो कौन है, इसे इंडेफिनिट कहते हैं। किसी ने मुझे पीछे से थप्पड़ मारा, किसी ने मेरे बैग से पेन निकाल लिया, किसी ने ये खा लिया, किसी ने वो चुरा लिया, ऐसे ऐसे सेंटेंसेस। कोई आया था आपसे मिलने, कोई आया था, तो ये शब्द होते हैं इंडेफिनिट जिन्हें हम नाउन की जगह लगा देते हैं लेकिन फिर भी हमें पता नहीं लगता एक्चुअली में बात किसकी हो रही थी। ऐसे 13 शब्द हैं इंग्लिश में, ऐसे कितने वर्ड्स हैं? 13। वन समवन, सेकंड समबडी, सारे लिख रही हूं बेटा ताकि ये शब्द देखते ही आप समझ जाओ। नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, या फिर समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, एवरीथिंग, और होगा ज्यादा से ज्यादा वन। ठीक है, ये लो एक बार सभी बच्चे इन वर्ड्स को कमेंट सेक्शन में लिखो, क्योंकि जब तक वर्ड्स याद नहीं होंगे रूल अप्लाई नहीं कर पाओगे। चलो, ये शब्द जहां भी आते हैं इनके लिए पोजेसिव प्रोनाउन हिज लगता है, ये शब्द जहां भी आते हैं इनका पोजेसिव प्रोनाउन इट्स लगता है, और ये जहां भी आएंगे इसके लिए वंस लगेगा। क्यों? इसके लिए वंस क्यों लगेगा या इसके लिए हिज क्यों लगेगा? ये क्या है, पोजेसिव का मतलब क्या है? देखो, नेहा के लिए हर लगेगा, आई के लिए माय लगेगा, आई एम डूइंग माय वर्क। जैसे आई के लिए माय लगता है, यू के लिए योर लगता है, ही के लिए हिज लगता है, शी के लिए हर लगता है, बिल्कुल वैसे ही समवन के लिए हिज लगता है। किताबें कहती हैं समवन के लिए सिंगुलर पोजेशन लगाओ, लेकिन मैं हमेशा बोर्ड पे हिज लिखती हूँ क्योंकि हर को प्रेफर नहीं किया जाता, ये बात याद रखना। कभी भी दो जेंडर में दुविधा होती है ना, मेल में और फीमेल में, तो आपका एग्जामिनर मेल जेंडर वाला आंसर लिए होता है, फीमेल जेंडर का प्रेफरेंस नहीं होता है। ये हमारे समाज की सच्चाइयां हैं। कहते रहो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन फिर भी बेटी पैदा होने पर कॉन्ग्रेचुलेशन कहने वाले कुछ मिलेंगे, बाकी सब बोलेंगे कोई बात नहीं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरा खुद का अपना पर्सनल ये एक्सपीरियंस है, बेटा पैदा होते ही एक भी नहीं कहेगा कोई बात नहीं, सब बोलेंगे कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये हमारे समाज का आईना है, हमारे समाज का नजरिया ऐसा है, बातों में और ट्रकों के पीछे लिखने से नहीं होता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको हकीकत में मानना भी पड़ता है। और ठीक है, समाज एकदम से नहीं बदलता, समय लगता है, इसीलिए आपका एग्जामिनर भी हर को नहीं हिज को प्रेफर करता है, और समथिंग एनीथिंग नथिंग में इट्स को करता है, और वन के लिए वंस को करता है। कैसे? मैंने कहा एवरीवन शुड डू वंस ड्यूटीज, एवरीवन शुड डू वंस ड्यूटीज,
कोई बात नहीं मुस्कान, दैट वॉज नॉट टेस्ट बेटा। मुस्कान को मजबूरी में दिया गया एक प्रैक्टिस शीट था, क्योंकि मैं एकदम से क्लास में आ नहीं पा रही थी, ठीक है, सिर्फ इसलिए दिया गया था। ना उनका टेस्ट मैं ऑफिशियली अनाउंस करूंगी, फिर होगा, वो मजबूरी में दिया गया था। यस आशी, 90% महिलाओं का मिलेगा बेटा, आपका और मेरा नहीं, ये फैक्ट है, समाज ऐसा ही है फिलहाल भी, इसीलिए एजुकेशन नियम कानून इतने तेजी से बदले जा रहे हैं। चलो तो एवरीवन शुड डू, एवरीवन देखते ही हमें वंस नहीं क्या लगाना है, हेज लगाना है। एवरीवन देखते ही क्या लगाएंगे, हेज लगाएंगे, वंस नहीं लगाएंगे। अब देखो अगर मैं इसका रिवर्स लिखूं, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन लिखूंगी हल्का सा बदल के, एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी, तो अब आपको क्या करना चाहिए बताओ। ऐसे ही पेपर में आता है बेटा ये शब्द, देखते ही आपको केस पहचान में आ जाएगा, और केस पहचान में आते ही रूल से सॉल्व हो जाएगा। इंटरोगेटिव कहते हैं हर उस WH फैमिली वर्ड को जो क्वेश्चन मार्क के साथ आए। इंटरोगेटिव प्रोनाउन हर उस WH फैमिली वर्ड को कहते हैं जो क्वेश्चन मार्क के साथ आता है, हर वो शब्द जो WH फैमिली से बिलोंग करता है, हर वो शब्द जो WH फैमिली से बिलोंग करता है, यानी व्हाट, व्हाई, व्हेन, हाउ, वेयर, अगर ये क्वेश्चन मार्क के साथ आए तो वही WH को इंग्लिश कहती है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अब कहती क्यों है वो बता देती हूं। देखो मैंने कहा व्हाट इज योर नेम, सपोज आप में से किसी ने मुझसे पूछा व्हाट इज योर नेम, आप मैं बोलूंगी नेहा इज माय नेम, या माय नेम इज नेहा, कैसे भी आप कर लो। तो ये जो व्हाट है ना, ये किसकी जगह बैठा था, मेरे नाम की जगह, और मेरा नाम यानी नाउन। अब नाउन की जगह जो शब्द आते हैं वही तो प्रोनाउन होते हैं, और वो WH फैमिली से बिलोंग करते हैं, इसलिए नाम रख दिया इंटरोगेटिव, क्योंकि WH फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं इसलिए नाम क्या रख दिया इंटरोगेटिव। समझे, पेपर में कैसे आएगा मैम, फिर क्वेश्चन कैसे बनेंगे। देखो मैंने कहा WH क्वेश्चन मार्क के साथ आए तो वो इंटरोगेटिव होता है, जबकि आपको पिछली क्लासेस में सिखा चुकी हूं क्वेश्चन मार्क सिर्फ तब आता है जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले हो। क्वेश्चन मार्क इंग्लिश में सिर्फ तब लगता है जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले हो, जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले हो। मैं कहूं एम आई हैप्पी, इंटरोगेटिव है। अगर मैं पलट दू आई एम हैप्पी, इंटरोगेटिव नहीं है। तो हेल्पिंग वर्ब कहां पे है उससे पता लगता है सेंटेंस इंटरोगेटिव होगा या नहीं, इसी बेस पे एरर बनता है। कैसे, वो कहेगा व्हाई यू आर डूइंग दिस, क्या इक्वेशन फील करो, व्हाई यू आर डूइंग दिस। अब हमारे बच्चे को लगता है व्हाई भी है, क्वेश्चन मार्क भी है, चलो भाई सही बात है। लेकिन ध्यान से देखो, क्वेश्चन मार्क तो तब आता है ना जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले हो, और फिलहाल जो हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रही है वो सब्जेक्ट के बाद है, तो आपको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाना पड़ेगा, आपको हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लाना पड़ेगा तो ही ये सेंटेंस सही होगा। यानी कि सही सेंटेंस बनेगा व्हाई आर यू डूइंग दिस, क्या बनेगा सही, व्हाई आर यू डूइंग दिस इंस्टेड ऑफ व्हाई यू आर डूइंग दिस। समझे, इस तरीके से पेपर में इंटरोगेटिव का एरर आएगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है पेपर में क्वेश्चन आए। बड़ी छोटी और आसान सी टाइप्स, आज का हमारा तीसरा टारगेट कहा था ना, आज हम ये तीन टाइप भी पूरी कर लें प्रैक्टिस के साथ तो बहुत है। कंपाउंड इंटरोगेटिव, अब इंटरोगेटिव से हमें ये तो समझ में आ गया है कि कोई ना कोई WH होगा। कंपाउंड का मतलब होता है जुड़ना, तो कंपाउंड इंटरोगेटिव उसे कहते हैं जब WH किसी और शब्द से जुड़ जाता है, जैसे whoever, जैसे whomever, जैसे whatever, जब भी WH ever से जुड़ता है कंपाउंड इंटरोगेटिव कहलाता है। देखो हाउ एवर शब्द सुना होगा, वेयर एवर शब्द सुना होगा,
है ना बच्चों, ये सारे के सारे कंपाउंड इंटेरोगेटिव के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि इसमें इंटेरोगेटिव कंपाउंड हो जाता है, जुड़ जाता है एवर के साथ। अब बात ये आती है कि पेपर में कैसे आएगा। मैम ध्यान से मेरी बात सुनो, एवर ना किसी भी डब्ल्यू एच से जुड़ सकता है सिवाय हु और होम के। स्पोकन में बहुत गलत यूज करते हैं इस चीज को। एवर ना किसी भी डब्ल्यू एच से जुड़ सकता है सिवाय हु और होम के। इंग्लिश कहती है अगर हु और होम के साथ एवर जोड़ना है ना तो बीच में सो लिखना पड़ेगा आपको, नहीं तो वो गलत है। यानी आपका एग्जामिनर कहेगा हु एवर, आपने कहना है हु सो एवर होना चाहिए। एग्जामिनर कहेगा हुम एवर, आपने कहना है हुम सो एवर होना चाहिए। समझे बेटा मेरी बात को? तो इन शब्दों को देखना है, हु और हुम को याद रखना है, कभी भी इन्हें बिना सो के नहीं लगाना है, ठीक है। अभी पढ़ाया था इनडेफिनेट कुछ सेकंड मिनट पहले ही। बहुत से लोग बोलते हैं हु एवर, स्पोकन में सब चलता है, रिटन में रूल होने चाहिए नहीं तो नंबर नहीं आते। चलो सारे बताती हूँ। एवरीबडी शुड डू, एवरीबडी की वजह से हिज होना चाहिए, एवरीवन की वजह से हिज होना चाहिए, एनीबडी कैन डू देयर, एनीबडी है तो हिज हेल्थ होगा, एनीवन कैन डू दिस, इसमें कोई एरर ही नहीं है, सारा ठीक है। पोजेशन है ही नहीं तो इंप्रूव क्या करें। नो वन के साथ पोजेशन देयर लिख रखा है जबकि होना क्या चाहिए, हिज होना चाहिए। बस इतना ही था, समझे। अब इंटेरोगेटिव की एक्सरसाइज और दिखा देती हूं, बाकी करेंगे कल। चलो सारों ने ठीक ही जवाब दिया है। व्हाट यू आर लिखा है और लास्ट में फुल स्टॉप है, तो सुधारने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट के बाद जब हेल्पिंग वर्ब होती है तो वो इंटेरोगेटिव नहीं होता, वो सिंपल ही होता है, तो ये सही है। वी कुड नॉट नो, देखो यहाँ क्या कर रहा है, वाई वॉज ही लिख रहा है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा रहा है, जबकि अगर आपकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले होती है तो वो इंटेरोगेटिव होता है। फुल स्टॉप तो तब लगेगा ना जब सब्जेक्ट आगे होगा और हेल्पिंग वर्ब पीछे, तो शी आगे ले आओ और वॉज पीछे ले जाओ तो फुल स्टॉप सही हो जाएगा। अब आप कहोगे मैम क्वेश्चन मार्क भी तो लगा सकते थे वॉज शी को देख के, नहीं पंचुएशन के नंबर नहीं आते आपके पेपर में। ऐसे तो मैं यहां पे भी फिर कह सकती थी कि क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, आर यू करते हैं, नहीं यू आर है, फुल स्टॉप है, सही है, पर यहाँ पे वॉज शी है और फुल स्टॉप है, जबकि फुल स्टॉप तो तब आएगा जब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है। तो साइन ठीक करने के, पंचुएशन के नंबर हमारे पेपर में नहीं आते, इसलिए हमें स्ट्रक्चर सुधारना पड़ता है, हमेशा याद रखना ये बात। कभी भी पंचुएशन एरर के मार्क्स नहीं देती ना एसएससी ना हरियाणा, हरियाणा में तो पंचुएशन एरर अलग से आते हैं, एरर के अंदर कभी पंचुएशन के मार्क्स नहीं होते, ठीक है। तो इसलिए हम स्ट्रक्चर को सुधारेंगे और शी वॉज करेंगे जिससे कि फुल स्टॉप ठीक हो जाए, है ना बच्चों। बहुत बारीक एरर बनता है इसका और बच्चों से चूक हो ही जाती है पेपर में, आसान टाइप है फिर भी गलती होती है, बेसिकली ये बात कह रही हूं मैं। अगर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब दिखे तो फुल स्टॉप और सब्जेक्ट के पहले दिखे तो क्वेश्चन मार्क, ये सिंपल फंडा पे इसके सारे एरर बनते हैं। अब ये दो आपसे ठीक होएंगे, ट्राई करो, अब आप समझ गए क्या करना है। ये लो ये दो ट्राई करो, फिर फ्री करूंगी मैं आपको। द पुलिसमैन वॉज, क्वेश्चन मार्क लगा है, क्वेश्चन मार्क तो तब आता है जब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले हो, यानी वाई वॉज द पुलिसमैन। अब एक आधा कंफ्यूज रहेगा, ये वाई वॉज द पुलिसमैन ये होना चाहिए। वेयर डिड द ट्रेन स्टॉप, देखो ट्रेन से पहले ये डिड और क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है, नो एरर, करेक्ट, ये गलत था ये सही था, समझ गए। अब तो हो गया, चलिए लेट स्टार्ट नाउ। आर यू ऑल रेडी, से यस और नो, क्या आप सब तैयार हैं पढ़ने के लिए? तो हम शुरू करते हैं रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक। इनकी सबसे पहली बात तो ये है कि इन दोनों टाइप्स के सारे एग्जाम्पल या तो सेल्फ से खत्म होते हैं या सेल्फ से, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं या तो उनके लास्ट में सेल्फ आता है
या उनके लास्ट में सेल्फ आता है, इन्हें पहचानने का सीधा तरीका। अब सेल्फ या सेल्फ वाला वर्ड अगर वर्ब के साथ आए तो वो रिफ्लेक्सिव होता है, और अगर वो सब्जेक्ट के साथ आ रहा है तो एम्फेटिक होता है। जैसे मैं कहूं आई माई सेल्फ टीच ऑल माई क्लासेस, तो इस माई सेल्फ को इंग्लिश एम्फेटिक कहेगी, इस माई सेल्फ को इंग्लिश एम्फेटिक कहेगी। लेकिन अगर सेंटेंस बनाया जाए शी हैंग्ड हरसेल्फ, क्या सेंटेंस बनाया, शी हैंग्ड हरसेल्फ, तो ध्यान से देखो हैंग जो है यहां पे वर्ब है, और वर्ब के साथ जब ये शब्द आते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव होते हैं। जब ये एम्फेटिक बनेंगे ना बेटा, सब्जेक्ट के बिल्कुल साथ आएंगे एकदम चिपक के, पर जब रिफ्लेक्सिव होंगे वर्ब के बाद आने चाहिए, कहीं भी थोड़ी दूरी भी होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल साथ होना जरूरी नहीं है, पर ये निश्चित है कि रिफ्लेक्सिव होने के लिए वर्ब के बाद और एम्फेटिक होने के लिए सब्जेक्ट के बाद। अब बात ये आती है कि मैम एग्जामिनर कैसे पूछेगा, पेपर में कैसे आएगा, क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो ध्यान से सुनो, इसके क्वेश्चन तीन बेसिस पे बनते हैं। बेस नंबर वन, बच्चे को ये पता होना चाहिए कि सेल्फ इंग्लिश में हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए लगता है और सेल्फ इंग्लिश में हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट्स के लिए लगता है। जहां पे भी आप किसी एक की बात कर रहे हैं आप सेल्फ का यूज करें, जैसे मैं शी की बात कर रही थी तो मैंने हर सेल्फ लगाया, आई की बात कर रही थी तो माई के साथ सेल्फ लगाया, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट होता तो मैं क्या लगाती, सेल्फ्स लगाती। पर इस कॉन्सेप्ट में भी बच्चे से कुछ गलतियां होती हैं, जैसे बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होता कि अगर बर्ड की बात हो रही है तो बर्ड ही या शी नहीं होते, बर्ड इट होते हैं, और सिंगुलर बर्ड है तो क्या आएगा, इट सेल्फ आएगा। जैसे नेहा शी है, ऐसे ही गर्ल लिखोगे तो वो भी क्या है, शी है। जैसे बर्ड इट है, ऐसे ही डॉक्टर टीचर स्टूडेंट, ये सारे कॉमन जेंडर होते हैं और सबके लिए इट लगता है। कॉमन जेंडर क्या होता है, ऐसी चीजों का नाम जिन्हें देख के ये पता ना लगे कि बात मेल की हो रही है या फीमेल की, उन्हें कॉमन जेंडर्स कहा जाता है। तो कॉमन जेंडर होता है स्टूडेंट, क्योंकि दोनों को दिखा देता है, मेल को भी और फीमेल को भी। टीचर कॉमन जेंडर होता है, मेल को भी दिखा देता है और फीमेल को भी। तो जहां पे भी आप यूज करें कॉमन जेंडर आप इट से लगाएं। अब बच्चे से दूसरी गलती होती है प्लूरल नाउन के केस में, जैसे उसने लिख दिया गर्ल्स, तो बहुत से बच्चों को मैंने देखा है कि वो क्या कर देते हैं, गर्ल के लिए हर सेल्फ्स कर देंगे, क्योंकि उन्होंने ये सीखा है कि मैम ने कहा था प्लूरल होगा ना तो सेल्फ्स होगा, बिल्कुल सेल्फ्स होगा, पर हर का भी तो प्लूरल होगा, और हर का प्लूरल होता है देयर। ठीक है बच्चों, तो ऐसी कुछ छोटी मोटी मिस्टेक आपसे हो सकती हैं। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से करोगे तो ये टाइप बहुत आसान है कि सेल्फ वहां लगाओ जहां सब्जेक्ट सिंगुलर, सेल्फ्स वहां लगाओ जहां सब्जेक्ट प्लूरल। क्या हमें बात समझ में आई, अगर पहली बात समझ में आ गई है तो थम्स अप डालो, मैं दूसरी बात सिखा रही हूं। कभी भी आप इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस को सेल्फ या सेल्फ्स वाले वर्ड से स्टार्ट ना करें, शुरू ना करें। ये एक ऐसी चीज है जो आपको खूब खूब सुनने को मिलेगी। लोग बोलते हैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए, कहते हैं माई सेल्फ से अपना इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं, जबकि ग्रामेटिकली ट्रेडिशनली नियम क्या कह रहा है कि इन शब्दों को सेंटेंस के शुरुआत में कभी भी मत लगाओ। क्यों मत लगाओ, क्या कारण है, गलत क्यों है? इतने सारे लोग तो बोलते हैं, लगभग सब बोलते हैं माई सेल्फ दिस 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 और शुरू हो जाते हैं अपना इंट्रोडक्शन देना, है ना? तो गलत क्यों है मैम ये, मतलब ग्रामर इतनी हटके क्यों है, ग्रामर इतनी अलग क्यों है? ग्रामर तो सेम है बेटा सबके लिए, और कोई इन नियमों को बदल नहीं सकता। लेकिन जब हम इंग्लिश बोलते हैं ना तो वहां पर रूल को ध्यान रखे बिना बोलते हैं, क्योंकि इंग्लिश बोलने का मतलब फ्लुएंसी से कनेक्ट किया गया है, करेक्टनेस से नहीं। जबकि ग्रामर का फोकस सही पन पर ज्यादा होता है, यानी ग्रामर को चाहिए कि सब कुछ ठीक अकॉर्डिंग टू द रूल,
जबकि स्पोकन कहता है सामने वाले को समझ में आना चाहिए, एक आधा रूल ऊपर नीचे भी हो गया तो कोई बात नहीं, ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। इसलिए आपको स्पोकन में बहुत बार माई सेल्फ से लोग इंट्रोडक्शन देते हुए दिखाई देंगे, पर मैंने तो आपको एग्जाम के लिए तैयार करना है, कॉम्पिटिटिव रिटन एग्जाम के लिए, तो वहां पे आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सेल्फ या सेल्फ्स वाले वर्ड से सेंटेंस कभी भी शुरू नहीं होता। और इसका कारण अभी तो सिखाया 2 मिनट पहले कि रिफ्लेक्सिव ये तब होते हैं जब ये वर्ब के बाद हो, एम्फेटिक ये तब होते हैं जब ये सब्जेक्ट के बाद हो। तो अगर हम उन्हें लाइन के शुरू में लगा देते हैं ना, तो ना तो ये वर्ब के बाद रहते ना सब्जेक्ट के बाद, जिस वजह से इनका कोई अर्थ ही नहीं निकलता, क्योंकि ग्रामर कहती है सेल्फ या सेल्फ्स वाला वर्ड रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक में से कुछ होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव होने के लिए वर्ब के बाद होना चाहिए, एम्फेटिक होने के लिए सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। अगर इन दोनों के अलावा कहीं भी लगाओगे तो ग्रामर के नियम के अनुसार वो गलत है। तो फ्रेंकली और स्ट्रेटली अगर मैं कहूं तो आप जब इंग्लिश बोल रहे हैं और माई सेल्फ बोल रहे हैं तो ग्रामर के हिसाब से तो वो भी गलत है, पर क्योंकि ज्यादातर लोग बोल रहे हैं और सबको समझ में आ रहा है इसलिए ये चीज चलती जा रही है। पर एग्जाम में या रिटन में अगर कभी भी आपको माई सेल्फ से सेंटेंस शुरू होता दिखेगा तो पक्का एरर वहीं पे है। माई सेल्फ नहीं, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, किसी से भी गलत है वो। आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट की जगह रिफ्लेक्शन नहीं लिख सकते हो आप, समझे? ये हमारा पॉइंट नंबर 2 है जहां से एरर बन सकता है। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 3 जो सबसे ज्यादा एग्जाम में काम आएगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेंगे रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक के यहां से, तो ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 3 कहता है कि इंग्लिश में कुछ वर्ब्स हैं जैसे आस्क, अलाउ, एब्सेंट, Enjoy, present, जो PDF मैंने आपको दी है ना उसमें ये लिखे हुए हैं, abstain, restrain, refrain, permit, avail, गुड। अब सीखो रूल क्या है। देखो एक्वेट का मतलब होता है आजाद कर देना, छोड़ देना किसी को, आस्क होता है पूछना, अलाव होता है परमिशन देना, एब्सेंट गायब हो जाना, एंजॉय मजे करना, सबसे ज्यादा यह आता है, परमिट अनुमति देना, अवेल उपलब्ध होना, प्रेजेंट उपस्थित होना, एब्सटेन, रेस्ट्रेन, रिफ्रेन, तीनों का मतलब होता है रोकना, खुद को किसी बुराई से रोकना। जैसे दोस्त सिगरेट पी रहा है, कह रहा है तू भी लेगा, आप कह रहे हो नहीं, आपने क्या कर रहा है, आपने आपको पीछे कर लिया उस बुराई से। इस सेंस में आते हैं एब्सटेन, रेस्ट्रेन और रिफ्रेन। अब ध्यान से देखो, आस्क के ऊपर एक्वेट, acquit, आजाद कर देना, छोड़ देना, acquit, एक्वेट, बरी करना कहते हैं शुद्ध हिंदी में। ये वर्ड्स जहां भी आएंगी, ध्यान से सुनिएगा, ये वर्ब्स जहां भी आएंगी अगर इनके साथ ऑब्जेक्ट दिखाई ना दे तो पक्का रिफ्लेक्सिव ऐड होगा। अगर इनके साथ ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा तो पक्का रिफ्लेक्सिव ऐड होगा, अगर ऑब्जेक्ट दिखाई देगा तो रिफ्लेक्सिव ऐड नहीं होगा, अगर ऑब्जेक्ट दिखाई देगा तो रिफ्लेक्सिव ऐड नहीं होगा, समझ गए? यानी सेल्फ और सेल्फ वाला वर्ड तब लगाना है इनके बाद जब इनके पास ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर इनके पास अपना ऑब्जेक्ट है तो सेल्फ और सेल्फ वाला वर्ड नहीं आएगा। एक बात, अब बात ये है मैम पता कैसे लगाएं कि ऑब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब मेरे को तो ऑब्जेक्ट पहचानना भी नहीं आता। कोई ऐसा बच्चा मुझे सुन रहा है जो कह रहा है जी मेरे को तो ऑब्जेक्ट पहचानना भी नहीं आता, तो ध्यान से सुनो, अगर आप इन वर्ब्स के बाद किसी प्रेपोजिशन को देखो, टू, एट, इन, ऑन, बाय, बिहाइंड, बिसाइड, फोर, आफ्टर, बिफोर, सारे के सारे ये प्रेपोजिशन है, अगर इनके बाद में प्रेपोजिशन आ गई ना, यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ये वर्ब ऑब्जेक्ट लेती हैं तो प्रेपोजिशन नहीं लेती, जब ये वर्ब अपना ऑब्जेक्ट रखती हैं तो ये प्रेपोजिशन को नहीं रखती।
और अगर ये प्रेपोजिशन को रख रही हैं यानी इनके पास ऑब्जेक्ट नहीं है, समझे। अब बिल्कुल सीधी भाषा में बताऊंगी, ध्यान से सुनना। इन वर्ब्स के बाद अगर प्रेपोजिशन है तो रिफ्लेक्शन भी आएगा, अगर प्रेपोजिशन नहीं है तो रिफ्लेक्शन भी नहीं आएगा। प्रेपोजिशन है तो रिफ्लेक्शन भी है, प्रेपोजिशन नहीं तो रिफ्लेक्शन भी नहीं। कैसे? मैंने कहा आई एंजॉय द पार्टी, आई enjoyed in the party, I enjoyed the party, I enjoyed in the party। आप मुझे ये बताओ कहां पे रिफ्लेक्शन होना चाहिए और कहां पे नहीं होना चाहिए। बताओ कहां पे सेल्फ वाला वर्ड ऐड करूं और कहां पे नहीं करूं। देखो यहां पे प्रेपोजिशन है यानी रिफ्लेक्शन भी आएगा, यहां क्योंकि प्रेपोजिशन है इसलिए रिफ्लेक्शन होना चाहिए। माय सेल्फ, प्रेपोजिशन नहीं है तो रिफ्लेक्शन भी नहीं होगा। यानी पहला सेंटेंस सही है, आई एंजॉयड द पार्टी, दूसरा होना चाहिए आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द पार्टी, समझे। आओ कुछ क्वेश्चंस दिखाते हूँ रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक के। ये रहा, बताओ कहां पे सेल्फ वाला वर्ड हटेगा कहां पे लगेगा। हाँ जी, द टीचर एबसेंटेड देयर सेल्फ फ्रॉम, अब ये फ्रॉम कह रहा है कि रिफ्लेक्शन तो होना चाहिए है ना, पर टीचर सिंगुलर है, एक है, तो टीचर देयर नहीं हो सकता, टीचर होगा इट, तो क्या लग गया इट सेल्फ। हर सेल्फ इज अ टीचर, हर सेल्फ से लाइन शुरू नहीं हो सकती, शी इज अ टीचर लिखो या शी हर सेल्फ इज अ टीचर लिखो। They enjoyed themselves. अब ये जो इन है ये कह रहा है कि रिफ्लेक्शन लगेगा और दे के हिसाब से them और selves ही लगेगा, तो ये नो एरर था। Equate yourselves like men. अब ये जो your शब्द होता है ना ये दोनों काम करता है, singular का भी और plural का भी, तो इसके साथ हम singular possession भी लगा सकते हैं और plural भी लगा सकते हैं, तो फिलहाल हमें इसे नो एरर करना पड़ेगा। We seldom see ourselves. अगर हम ध्यान से देखते हैं तो वी के लिए आर ही होना चाहिए और वी प्लूरल है तो सेल्फ्स ही होना चाहिए, ये भी नो एरर है, समझे। ये लो यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शन की प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी कि किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा रिफ्लेक्शन आना चाहिए, बस वो करना है। यहाँ पे देखो किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा रिफ्लेक्शन आना चाहिए, सही लगाया या गलत चेक करो, किस सब्जेक्ट के लिए कौन सा रिफ्लेक्शन आना चाहिए चेक करो। आओ टाउन के लिए इट सेल्फ ही होना चाहिए यानी ये सही है, शी के लिए हर सेल्फ होना चाहिए यानी कि ये भी सही है, आई के लिए माई सेल्फ होना चाहिए यानी कि ये भी सही है, पर दे के लिए देयर तो ठीक है पर सेल्फ्स होना चाहिए, सेल्फ्स क्योंकि दे प्लूरल है। ऑथर के लिए हिम तो सही है पर सेल्फ प्लूरल है, क्या होना चाहिए सेल्फ होना चाहिए, सेल्फ की जगह सेल्फ होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो तीन नो एरर थे, दो में ही एरर थे। रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइप्स नहीं है, बहुत कम पूछा जाता है इनमें से। आज की क्लास शुरू कर रही हूं रिलेटिव प्रोनाउन से, क्या हम सब तैयार हैं? आइए, रिलेटिव का मतलब होता है ऐसे WH फैमिली वर्ड्स जो सेंटेंस के एक हिस्से को दूसरे हिस्से से जोड़ते हैं। जब WH फैमिली वर्ड क्वेश्चन पूछता है तो इंटरोगेटिव होता है, अगर उसी WH फैमिली वर्ड को सेंटेंस के दो हिस्से
आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो तो वो रिलेटिव बन जाता है। अब हमारा एग्जामिनर, देखो मैं सेंटेंस लिखती हूं, जैसे कि आई नो, आई नो व्हाई यू आर हियर, मुझे पता है आप यहां क्यों हो, मुझे पता है आप यहां क्यों हो। तो आई नो को यू आर हेयर से जोड़ने का काम कर रहा है वाई, तो इसे इंग्लिश कहेगी कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। हाँ जी, तो डब्ल्यू एच जब कनेक्ट करता है तो वो क्या कहलाता है, रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, अगर यही डब्ल्यू एच क्वेश्चन पूछने लग जाता है तो इंटेरोगेटिव कहलाता है, अगर यही डब्ल्यू एच क्वेश्चन पूछने लग जाता है तो क्या कहलाता है, इंटेरोगेटिव, कनेक्ट करेगा तो क्या कहलाएगा, रिलेटिव। अब बात यह आती है कि एग्जाम में कैसे आएगा, ध्यान से सुनो, एग्जाम में ना चार पोजीशन पूछता है बेटा, वो एग्जाम में क्या पूछता है, चार ऐसी पोजीशन पूछता है जहां सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए डब्ल्यू एच को गलत मानते हैं और उसकी जगह पर दैट को सही। वो चार पोजीशन जहां डब्ल्यू एच इस्तेमाल नहीं हो सकता, हमें दैट यूज करना होता है, ये अब मैं पढ़ाने वाली हूं, यहीं से पेपर में क्वेश्चन आता है। जैसे कि सबसे पहली पोजीशन, इंग्लिश में अगर सेम दिख रहा है, ओनली दिख रहा है, नन दिख रहा है, एनी दिख रहा है, ऑल दिख रहा है, या पोजीशन वाले शब्द फर्स्ट सेकंड थर्ड दिख रहे हैं, मैनी मच दिख रहे हैं, फ्यू लिटिल दिख रहे हैं, अगर इनमें से कोई भी शब्द आपको इंग्लिश के सेंटेंस में दिखता है तो इन शब्दों के बाद कभी भी डब्ल्यू एच का यूज नहीं होता, हमेशा दैट लगेगा। ये सारे शब्द आपको इंग्लिश की लाइन में दिखने चाहिए, अगर इनमें से कोई भी शब्द आएगा तो डब्ल्यू एच नहीं आएगा। कैसे, मैंने कहा दिस इज द सेम गर्ल हु ऑलवेज, दिस इज द सेम गर्ल हु ऑलवेज helps, क्या हो रहा है आज, who always helps others। अब देखो क्या कह रहा था रूल, रूल कह रहा है कि इंग्लिश की किसी भी लाइन में ऊपर लिखे गए शब्दों में से कुछ दिखता है, मैंने सेम यूज कर दिया, तो इनके बाद आप कभी भी डब्ल्यू एच का इस्तेमाल ना करें, इंस्टीड ऑफ डब्ल्यू एच दैट लगाएं, डब्ल्यू एच का इस्तेमाल ना करें, इंस्टीड ऑफ डब्ल्यू एच क्या लगाएं, दैट लगाएं। तो हमारा रूल इस तरीके से पेपर में एग्जामिनर हु लिखेगा, हमने हु को दैट बनाना है और नौकरी पाना है, समझ गए। तो ये वर्ड्स याद करने हैं बेटा, डब्ल्यू एच रिमूव हो जाएगा फिर दैट आएगा, समझ गए। चलो अब अगला पॉइंट सिखाती हूं, सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट कह रहा है इंग्लिश की किसी भी लाइन में अगर सुपरलेटिव डिग्री दिखाई दे, इंग्लिश की किसी भी लाइन में अगर सुपरलेटिव डिग्री दिखाई दे, सुपरलेटिव डिग्री होती है बेटा एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री, सुपरलेटिव क्या होती है, एडजेक्टिव की थर्ड डिग्री, जैसे बेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट, मोस्ट इंटेलिजेंट, वाइजेस्ट, इन्हें सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। सीधा शॉर्टकट भी होता है, शब्दों के पीछे या तो ईएसटी मिलेगा या मोस्ट मिलेगा, शब्दों के पीछे या तो ईएसटी मिलेगा या मोस्ट मिलेगा, तो डिग्री बन जाती है कौन सी, सुपरलेटिव। और सुपरलेटिव डिग्री भी अपने बाद डब्ल्यू एच फैमिली को नहीं, दैट को प्रेफर करती है, डब्ल्यू एच हटाना है, दैट लगाना है। डब्ल्यू एच से हमारा मतलब है,
चलो तो सेम के बाद डब्ल्यू एच नहीं आता, ऐसे ही सुपरलेटिव के बाद डब्ल्यू एच नहीं आता, डब्ल्यू एच की जगह दैट हो गया, ठीक है। तीसरी पोजीशन कहती है एक ही सेंटेंस में दो डब्ल्यू एच नहीं आते, बात वाले को दैट में बदलना है। सेंटेंस एक और डब्ल्यू एच दो गलत माने जाएंगे, बाद वाले डब्ल्यू एच को हम दैट में कन्वर्ट करेंगे, बाद वाले डब्ल्यू एच को हम दैट में कन्वर्ट करेंगे अगर एक लाइन में दो डब्ल्यू एच एक साथ आएंगे तो। कैसे? मैंने कहा व्हाट आर द थिंग्स विच यू वांट, व्हाट आर द थिंग्स विच यू वांट फ्रॉम मी। ध्यान से देखो, व्हाट आर द थिंग्स विच यू वांट फ्रॉम मी। अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो एक डब्ल्यू एच आ चुका है, बाद में जो डब्ल्यू एच आएगा उसकी जगह दैट लगाना है और नौकरी पाना है। एक सेंटेंस में दो डब्ल्यू एच नहीं आते, दो अलग अलग सेंटेंस है तो दो डब्ल्यू एच आ जाएंगे, पर सेंटेंस एक और डब्ल्यू एच दो नहीं, मयान एक और तलवार दो नहीं, एक ही तलवार आएगी, एक ही डब्ल्यू एच आएगा, ऐसे कनेक्ट कर लो। तो दो डब्ल्यू एच को इग्नोर करना है, बाद वाले की जगह दैट लगा देना है। समझ गए हम? चलो तो ये हमारा था जी थर्ड पॉइंट। अब आते हैं फोर्थ पे। फोर्थ पॉइंट कह रहा है अगर इंग्लिश की लाइन में दो सब्जेक्ट्स जोड़ रहे हो आप, जिसमें एक तो किसी लिविंग को दिखा रहा है और दूसरा किसी नॉन लिविंग को, एक किसी लिविंग को दिखा रहा है और दूसरा किसी नॉन लिविंग को, क्या कह रही हूं, एक सजीव और एक निर्जीव, एंड से जुड़े हैं दोनों सब्जेक्ट, तो ये भी अपने बाद डब्ल्यू एच का यूज नहीं करते, हमें लगाना है दैट, ये भी अपने बाद डब्ल्यू एच का यूज। आओ, एंड से एक लिविंग जुड़ गया और एक नॉन लिविंग, कैसे? मैंने कहा नेहा एंड हर इंस्टीट्यूट, नेहा एंड हर इंस्टीट्यूट, समझे, नेहा एंड हर इंस्टीट्यूट, नेहा क्या है, लिविंग है, उसका इंस्टीट्यूट क्या है, नॉन लिविंग है, तो एग्जामिनर क्या करेगा, नेहा एंड हर इंस्टीट्यूट हु आर करके कुछ भी सेंटेंस बना देगा। तो आपने कहना है भाई नेहा और इंस्टीट्यूट तो लिविंग नॉन लिविंग आपस में जुड़ गए, हु नहीं आ सकता, डब्ल्यू एच नहीं आ सकता, दैट बोलो, यानी नेहा एंड हर इंस्टीट्यूट दैट, ना कि हु, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग के साथ भी दैट आएगा, डब्ल्यू एच नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, अब मैं आपको वो सुपरलेटिव वाला एग्जाम्पल दे देती हूं। मैंने कहा रोहन इज द मोस्ट ऑनेस्ट बॉय हु टेल्स ट्रुथ। रोहन सबसे ज्यादा ईमानदार है जो सच बोलता है। देखो अब ध्यान से, हमें मोस्ट या ईएसटी से ही पता लग जाता है कि डिग्री सुपरलेटिव है, और सुपरलेटिव डिग्री अपने बाद क्योंकि डब्ल्यू एच नहीं लेती तो हु की जगह क्या होना चाहिए, दैट होना चाहिए, हु की जगह क्या होना चाहिए, दैट होना चाहिए, यस मोस्ट ऑनेस्ट बॉय दैट। आओ थोड़ी सी कोरिलेटिव की प्रैक्टिस से पहले एक बात और सिखा दूं, पांचवा पॉइंट और सीख लो फिर प्रैक्टिस करेंगे। सारे डब्ल्यू एच या दैट, सारे डब्ल्यू एच या दैट, हाँ जी, डब्ल्यू एच और दैट अपने बिल्कुल बाद में जो वर्ब लेते हैं ना, यहां जो सब्जेक्ट होता है उसके हिसाब से लेते हैं। डब्ल्यू एच फैमिली या दैट के बिल्कुल बाद जब भी वर्ब आती है उसके बिल्कुल पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आती है, उसके बिल्कुल पहले वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। कैसे? देखो यहां देख लो, इसमें देख लो, ये आपका हु है,
रिलेटिव है, रिलेटिव से पहले कौन है, बॉय। बॉय कैसा है, सिंगुलर, इसीलिए तो यहां पे टेंस लिख रही हूं, सिंगुलर वर्ब। वर्ब पे ऐसी आई एस लगने से सिंगुलर होता है और नाउन पे ऐसी आई एस लगने से प्लूरल होता है, तो बॉय सिंगुलर है और टेंस भी सिंगुलर है। बॉय के हिसाब से आएगा ना कि सेंटेंस के सब्जेक्ट के हिसाब से। डब्ल्यू एच के बिल्कुल पहले जो सब्जेक्ट होता है ना वर्ब, हमेशा उसके हिसाब से आती है। देखो एक और एग्जाम्पल देती हूँ, इट इज आई हु एम टीचिंग यू, ये मैं हूं जो आपको पढ़ा रही हूं, समझे। इट्स आई हु एम टीचिंग यू, हाँ अरुण, पर देखो इट इज आई हु एम, समझ रहे हो क्या सिखा रही हूं, हु के बिल्कुल पहले कौन दिख रहा है, आए, इसलिए एम लगा रही हूं। हु के बिल्कुल पहले कौन दिख रहा है, आए, इसलिए क्या लगा रही हूं, एम लगा रही हूं, समझे। यही रूल सिखाया था, फटाफट बोलो, यहां तक की बात अपनी बन गई। चलो देखते हैं कौन पांचों क्वेश्चन ठीक करेगा, फटाफट करो। चलो अब मैं बताती हूं, देखो दिस इज द सेम, देखते ही याद आना चाहिए, मैम ने कहा था डब्ल्यू एच नहीं दैट, ये रूल आता रहता है एग्जाम्स में, ध्यान से याद करना इसको। फर्स्ट सुपरलेटिव डिग्री है, कहा था ना ये भी, डब्ल्यू एच नहीं दैट, मैनी आएगा तो भी डब्ल्यू एच नहीं दैट, ऑल की वजह से डब्ल्यू एच नहीं दैट, सेम की वजह से डब्ल्यू एच नहीं दैट, समझे। खूब आता है ये रूल एग्जाम्स में, तो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कहीं कुछ लिखते हो तो लिख लेना, है ना। ये सुपरलेटिव डिग्री वाला केस है, ये लो, ये और ट्राई कर लो, करो जल्दी, सुपरलेटिव सिखाया था ना अभी, चलो गुड, आप समझ गए बात को। यहां भी सुपरलेटिव है तो डब्ल्यू एच की जगह दैट आएगा, और देखो बॉय के हिसाब से वर्ब सिंगुलर, यहां भी सुपरलेटिव है तो डब्ल्यू एच की जगह दैट आएगा, समझे। नाउ टेल मी, इज इट क्लियर टू यू ऑल। ये देखो ये डब्ल्यू एच वाला केस है, एक सेंटेंस में दो डब्ल्यू एच एक साथ नहीं आते, बाद वाले को दैट बनाओ, सिखाया था ना अभी, सिखाया था ना अभी। चलो ये भी करके बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी करो, स्क्रीन से हट रही हूं मैं ताकि आपको क्वेश्चंस ठीक से दिखाई दें। चलो अब मैं बताती हूँ, ऑलमोस्ट आंसर्स आपने दे दिए हैं। देखो व्हाट वाज द रिप्लाई, विच की जगह दैट, क्योंकि दो डब्ल्यू एच एक साथ नहीं आते। हु इज हियर, हु की जगह दैट, क्योंकि दो डब्ल्यू एच एक साथ नहीं आते। व्हाट इज विच की जगह दैट, समझ गए। हु इज द हाउस, दैट ऑलरेडी लगा है तो नो एरर। व्हाट इज हिज ओपिनियन अबाउट द वर्क, दैट यू हैव। ये ऐसे एरर हैं जो एग्जाम में नजरों से चूक जाते हैं, बहुत आसान होते हैं पर नजर नहीं पड़ती। ओनली के केस में भी वो अब सिंगुलर हो जाती है, ये बातें पता होती हैं बच्चों को, इसलिए हम ये लो, बाकी आप खुद से पढ़ लेना और प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। आओ आज हमारा प्रोनाउन का लास्ट टाइप डिस्कस हमने करना है, प्रोनाउन कंप्लीट हो जाएंगे और आखिरी टाइप हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, पर्सनल प्रोनाउन। तो क्या आप सब तैयार हैं, आओ पर्सनल प्रोनाउन शुरू करते हैं, सब यस मैम लिख दो अगर तैयार हो तो। पर्सनल का मतलब होता है निजी या व्यक्तिगत, तो ऐसे शब्द जिन्हें हम नाउन्स के लिए पर्सनली इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहती है। जैसे नेहा अपने लिए पर्सनल प्रोनाउन शी को यूज करेगी, रोहन अपने लिए पर्सनल प्रोनाउन ही को यूज करेगा, पेन का पर्सनल लेना है तो इट यूज किया जाएगा। नेहा नहीं चाहेगी कि उसे ही कहा जाए, रोहन नहीं चाहेगा कि उसे शी कहा जाए, तो ये इनके पर्सनल हैं, दूसरा इनका यूज नहीं कर सकता, इसलिए इसका नाम क्या रख रखा है, पर्सनल प्रोनाउन। अब बात ये आती है कि पेपर में कैसे आएगा, एग्जाम के लिए आपको पर्सनल प्रोनाउन की ये टेबल अपने दिमाग में रखनी है,
आई माई माइन मी वी आर आर्स अस यू योर योर्स यू ही हिज हिज हिम शी हर हर्स हर इट इट्स इट देयर्स देम। ये टेबल आपने ध्यान करनी है, ये टेबल ऑलमोस्ट हर एरर आपको कराने में सक्षम है, पर टेबल ऐसे नहीं याद करनी जैसे अभी लिखी हुई है। आपको ऐसे याद करना है कि ये वाला जो कॉलम है ना, इसे सब्जेक्टिव केस में माना गया है, सब्जेक्टिव, क्योंकि ये हमेशा सब्जेक्ट की जगह आते हैं। इसे ऑब्जेक्टिव केस में माना गया है क्योंकि ये हमेशा ऑब्जेक्ट की जगह आते हैं। इस वाले रो को पोजेसिव एडजेक्टिव कहा गया है और इसे पोजेसिव प्रोनाउन कहा गया है। प्रोनाउन वो हैं जो नाउन की जगह पे आए, एडजेक्टिव वो हैं जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताएं, एडजेक्टिव वो हैं जो नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करें, नाउन या प्रोनाउन में कुछ ऐड करें, समझे। तो हमें इस कॉलम को क्या मानना है, सब्जेक्ट, सब लिखो, आई वी यू दे सब्जेक्ट, मी अस यू हिम हर ऑब्जेक्ट, माय आर योर पोजेसिव एडजेक्टिव, माइन आर्स योर्स हिज हर्स पोजेसिव प्रोनाउन। अभी टेबल से मिलवा रही हूं, फिर बताऊंगी पेपर में कैसे काम आएगी ये टेबल। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है, इन्हें फर्स्ट पर्सन कहते हैं, इसे सेकंड, और इन सबको या किसी के भी नाम को थर्ड पर्सन। तो ये पहली वाली दोनों रो फर्स्ट पर्सन यानी बोलने वाले, दूसरी वाली रो सेकंड पर्सन यानी सुनने वाले, जिसके बारे में बात करते हो उसे कहते हैं थर्ड पर्सन, समझे। टेबल का बस इतना ही आपको पता होना चाहिए, पर्सन और नंबर, पर्सन और केस। नंबर बच्चों को पता होता है कि आई सिंगुलर है, वी प्लूरल है, यू सिंगुलर प्लूरल दोनों है, ही शी इट सिंगुलर है और ही शी इट तीनों का प्लूरल दे है, ही शी इट तीनों का प्लूरल दे है। यहीं से पढ़ाना शुरू कर देती हूँ। सबसे पहला रूल यही ध्यान कर लो कि ही का, शी का या इट का अगर प्लूरल करना है आपको तो वो शब्द क्या माना जाता है, दे। कैसे मैम, एक लड़के की बात कर रहे हो तो ही कहो, बहुत सारे लड़के दिखाने हैं तो दे कहो, ठीक है। एक लड़की की बात कर रहे हो तो इट कहो, एक लड़की की बात कर रहे हो तो इट, बहुत सारी लड़कियों की बात कर रहे हो तो दे। ऐसे ही एक पेन की बात कर रहे हो तो इट, बहुत सारे पेन्स की बात कर रहे हो तो दे। ये बातें हैं, मतलब रूल तो ये है पर इस तरीके से वो आपको कंफ्यूज करता है। एक बर्ड की बात कर रहे हो तो इट और बहुत सारे बर्ड्स की बात कर रहे हो तो दे। एक घोड़े की बात कर रहे हो तो इट और बहुत सारे घोड़ों की बात कर रहे हो तो दे। एक टीचर की बात कर रहे हो तो इट, बहुत सारे टीचर्स की बात कर रहे हो तो दे। समझ रहे हो बेटा, इस एक रूल के अंदर बड़े सारे रूल छुपे हुए हैं, ध्यान से देखो। यहां तक तो हमें पता होता है एक लड़का ही दे, बड़ी सारी लड़कियां दे ही, सॉरी इटनी शी, मैं भी नींद में हूं, शी, एक लड़की शी और बहुत सारी लड़कियां दे, समझे। अब बर्ड यानी नो, जितने भी बर्ड्स या एनिमल्स हैं, जितने भी पक्षी जीव जंतु हैं, सबको इट माना गया है इंग्लिश में, तो उनका प्लूरल क्या बनता है, दे। जितने भी कॉमन जेंडर हैं, जितने भी कॉमन जेंडर जिन्हें देख के जेंडर का पता ना लगे, उन्हें भी इट लेते हैं उनका पर्सनल प्रोनाउन, और ज्यादा होने पर दे, समझे।
अब हमने ये सीखा है नॉन लिविंग के लिए ईट लगता है और दे लिविंग के लिए लगता है, तो मैं ये भ्रम मिटा रही हूं, दे नॉन लिविंग के लिए भी लगता है और इट लिविंग के लिए भी लगता है। देखो समझ रहे हो, तो ये रूल एक है लेकिन इसके कई सारे पहलू हैं जहां पे वो आपको फंसा सकता है। जल्दी बताओ पहला रूल क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? गुड, नाउ मूव टू पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर टू कहता है कि इंग्लिश की किसी भी लाइन में अगर लेट दिखे, बट दिखे, बिटवीन दिखे, एक्सेप्ट दिखे, लाइक दिखे, डिसलाइक दिखे, तो इन सब के बिल्कुल साथ हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। इन सब के बिल्कुल साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, जैसे कि हमेशा आपने सुना होगा लेट मी हेल्प यू, प्रोनाउन टेबल ही तो बताएगा ऑब्जेक्ट क्या होता है। टेबल का इतना ही रोल होता है बस कि आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव पोजेसिव पहचानना आ जाए। तो इंग्लिश कहेगी लेट मी, अगर वो लिखेंगे ना लेट आई लेट माई सब गलत है, लेट मी समझे। देर इज नो सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी कहते हैं, अगर एग्जामिनर लिखेगा ना यू एंड आई तो गलत है, क्या होना चाहिए यू एंड मी। अब जैसे ये शब्द हमेशा ऑब्जेक्ट लेते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही इंग्लिश में जितनी भी प्रेपोजिशंस हैं, जितनी भी, सब अपने साथ ऑब्जेक्टिव केस लेती हैं, एट, इन, ऑन, बाय, विद इन, कोई सी भी। जैसे मैंने कहा ही इज लाफिंग एट मी, हिम, हर, देम, यही सुना होगा आपने। कभी ऐसा नहीं सुना होगा ही इज लाफिंग एट आई, ही इज लाफिंग एट यू, हमेशा आपने ऑब्जेक्टिव केस देखा होगा। तो प्रेपोजिशंस भी हमेशा अपने साथ ऑब्जेक्टिव केस लेती हैं, और ये सारे के सारे शब्द जो आप यू नहीं कहते बच्चे, आई लाइक यू, आई लाइक हर, आई लाइक हिम, कभी सुना है आई लाइक शी, आई लाइक ही, हमेशा क्या बोलते हैं आई लाइक हिम, आई लाइक हर, तो आपको पता तो है, मैं रीजन बता रही हूं ऐसा क्यों है, क्योंकि ये सारे वर्ड्स ऑब्जेक्टिव केस के साथ चलते हैं, प्रेपोजिशंस ऑब्जेक्टिव केस के साथ चलती हैं हमेशा। कि अगर आपको इंग्लिश की लाइन में ये देखो ही शी और इट का प्लूरल दे होता है, बस कॉन्सेप्ट तो इतना ही है। इसमें उलझन वाली बातें थी दो तीन, वो सुन लो ध्यान से, कि सारे पक्षी सारे जानवर इंग्लिश ने इट मान रखे हैं, सारे कॉमन जेंडर इंग्लिश ने इट मान रखे हैं, टीचर, स्टूडेंट, डॉक्टर, लॉयर, सबके लिए इट लगता है अगर एक हो तो, बहुत सारे हो तो सब चीजों का प्लूरल दे है, क्योंकि थर्ड पर्सन में एक ही तो प्लूरल है दे, ध्यान से देखो रूल में, तो चाहे ही का प्लूरल करोगे तो भी दे, शी का करोगे तो भी दे, इट का करोगे तो भी दे। इंग्लिश में जहां भी मेन वर्ब यूज करोगे, मेन वर्ब अगर नहीं समझते हो तो एक्शन को मेन वर्ब कहते हैं, पढ़ाना, खाना, उछलना, कूदना, जिनके भी लास्ट में ना आता है मेन वर्ब कहते हैं। हु और हुम बता दूंगी बेटा, आप तो ये एक बार ये बता दो नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। तो मेन वर्ब जहां भी आएगी अपने साथ ऑब्जेक्ट लेंगे, लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब इंग्लिश की लाइन में होती है तो वो अपने साथ सब्जेक्टिव केस लेना पसंद करती है। अगर हेल्पिंग वर्ब अपने साथ है तो वो सब्जेक्टिव केस लेता है, मेन वर्ब हो तो वो ऑब्जेक्टिव केस लेता है। हाँ वही आएगी रंजिता, वही आएंगे बेटा। कैसे? देखो मैंने कहा ही टीचेस अस, अब टीच यानी पढ़ाना, लास्ट में ना आ गया यानी ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब है इसीलिए अस आया है ऑब्जेक्टिव केस। अब अगर हेल्पिंग वर्ब आएगी तो हेल्पिंग वर्ब होगी इट इज आई, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसके बाद लिख रही हूं सब्जेक्टिव केस आ रहा है आई। अगर यहां इस की जगह मेन वर्ब आ जाए तो ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा, देखो आई की बजाय मी, इट मेक्स मी हैप्पी, इट मेक्स मी हैप्पी।
हाँ जी, सीधा सीधा याद कर लो, मेन वर्ब का मतलब है एक्शन। एक्शन यानी जो काम का होना दिखाए। और काम का होना हमेशा हिंदी मीनिंग में ना मिलता है। ये रूल क्या कह रहा है फिलहाल वाला, ध्यान से देखो। मेन वर्ब होने की वजह से ऑब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब से सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब को पहचानना आसान है, इज एम आर वॉज वर हैज वेयर, देखते ही समझ जाओ हेल्पिंग वर्ब। इसके अलावा कुछ भी दिख रहा है ना सब्जेक्ट के बाद, तो वो मेन वर्ब होता है। और मेन वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता है और हेल्पिंग वर्ब अपने साथ सब्जेक्ट। तो देखो टीचेस मेन वर्ब है इसलिए अस आ गया, मेक्स मेन वर्ब है इसलिए मी आ गया। जो थ्री फॉर्म्स ऑफ द वर्ब पढ़ते थे ना, वो आप मेन वर्ब की ही पढ़ते थे। तो वो सारी बातें दिमाग में रखो और ऑब्जेक्ट लगा दो, इज एम आर वॉज वर दिखे तो सब्जेक्ट लगा दो, समझे। अब इसी रूल को कहने के दो तरीके हो रहे हैं। देखो किताबें क्या कहती हैं, इंग्लिश में अगर इट के साथ हेल्पिंग वर्ब दिखे तो सब्जेक्ट लगाना, इट के साथ मेन वर्ब दिखे तो ऑब्जेक्ट लगाना। किताबें इसी रूल को दूसरे तरीके से कहती हैं, देन और हेल्पिंग वर्ब किसी लाइन में दिखें तो सब्जेक्ट लगाना, देन और मेन वर्ब किसी सेंटेंस में आए तो ऑब्जेक्ट लगाना। अब आप बोर्ड पे लिखी चीजों को ध्यान से देखो, बात तो घूम फिर के एक ही है, जहां मेन वर्ब है वहां सब्जेक्ट, और जहां हेल्पिंग वर्ब है वहां ऑब्जेक्ट, जहां मेन वर्ब है वहां सब्जेक्ट, और जहां हेल्पिंग वर्ब है वहां ऑब्जेक्ट। बात तो इतनी है बस, बस कहने के तरीके इतने बना दिए कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। बताओ समझे कि नहीं समझे। मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट बेटा, हेल्पिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट, मेन वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के साथ सब्जेक्ट। चलो लिखा तो ठीक है, एक एग्जाम्पल और लिख देती हूँ और अच्छे से बात बन जाएगी हमारी। मैंने कहा ही इज बेटर देन मी, आप में से कोई गलती बता सकता है? आप में से कोई गलती बता सकता है? लिख दिया रंजीता, मैंने खुद ही लिख दिया बेटा, सिक्स्थ का एग्जाम्पल। बताओ बता सकते हो गलती? क्या गड़बड़ कर रही हूं मैं, ढूंढो। राहुल राज, यस, लगभग सही, सभी ने सही कहा है। इज हमारी हेल्पिंग वर्ब है, सेंटेंस में मेन वर्ब है ही नहीं, और हेल्पिंग वर्ब होती है ना तो सब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्टिव नहीं आता। और ये एक ऐसा सेंटेंस है जो ज्यादातर दुनिया स्पोकन में ऐसे ही बोलती है, ही इज बेटर देन हिम, यू आर बेटर देन मी, शी इज बेटर देन हर, हमेशा ऑब्जेक्ट लगाएंगे, जबकि हेल्पिंग वर्ब में आना चाहिए हमेशा सब्जेक्ट, है ना। तो ये एक ऐसी गलती है जो खूब मिलती है। चलो यहां तक की बातें मेरे ख्याल से अब समझ आ गई होंगी, आओ तो आगे बढ़ते हैं। वो उस बच्चे ने कहा था मैम हु और हुम बता दो, तो बीच में ही डाल दिया मैंने ये रूल, हालांकि ये इंटेरोगेटिव या रिलेटिव से कनेक्टेड होता है। हु इंग्लिश में तब लगाते हैं जब सब्जेक्ट को रेफर करना हो, और हुम तब लगाते हैं जब ऑब्जेक्ट को रेफर करना हो। यानी जहां जहां सब्जेक्ट की बात कर रहे हो हु लगाते चलो, जहां जहां ऑब्जेक्ट के लिए लगाना है हुम लगाते चलो। कैसे? मैंने कह दिया रोहन हु इज एन इंटेलिजेंट बॉय इज देयर टू हेल्प यू, और एक सेंटेंस मैंने लिखा अ लेडी केम इनसाइड विद अ बेबी हु हैड जस्ट स्वेलोड अ कॉइन। Who had
जस्ट स्वेलोड अ कॉइन। एक बार दोनों सेंटेंसेस को सभी बच्चे पढ़ें और जो बात मैं दिखाना चाह रही हूं उसको ध्यान से देखें। यहां हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है रोहन, और जब सब्जेक्ट के लिए लगता है तो हु लगता है, ठीक है, यही लिखा था मैंने ऊपर। यहां लेडी है सब्जेक्ट और बेबी है ऑब्जेक्ट। अ लेडी केम इनसाइड विद अ बेबी, एक औरत एक छोटे बच्चे के साथ अंदर आई जिसने अभी अभी सिक्का निगल लिया था। तो अब सिक्का आप बताओ, लेडी ने निगला के बेबी ने, सिक्का निगलने वाला कौन है, लेडी या बेबी? सोचो किसने निगला होगा सिक्का। मैं अपने छोटे बच्चे के साथ डॉक्टर के पास गई और मैं बोल रही हूँ भाई सिक्का निगल लिया अभी अभी, तो डॉक्टर क्या समझेगा, मैंने कि बच्चे ने? लेडी बच्चे के साथ अंदर आई तो सिक्का किसने निगला, लेडी ने या बच्चे ने? अंडरस्टूड है ना, बच्चे ने। और बच्चा कौन है सेंटेंस का, ऑब्जेक्ट, यानी आगे बात बच्चे की चल रही है। अब बात बच्चे की चल रही है तो हु तो सब्जेक्ट के लिए आता है, क्या लगाओ, हुम लगाओ, बस इतना सा करना है बेटा हु और हुम का। जो भी बच्चा पूछ रहा था, नाम मुझे याद नहीं, तो ऊपर रोहन की बात हो रही है इसलिए हु, नीचे बेबी की बात हो रही है इसलिए हुम। अब इसी सेंटेंस को मैं बोलूं, अ लेडी केम इनसाइड विद अ बेबी हु वाज वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल, हु वाज वेरी टॉल एंड ब्यूटीफुल। अब टॉल भी और ब्यूटीफुल भी तो ज्यादा इशारा हो रहा है लेडी की तरफ, इसलिए हु होना चाहिए। तो आपने ये देखना है, सब्जेक्ट की बात करे हु, ऑब्जेक्ट की करे हु, बस इतनी ही बात है। डालो थम्स अप अगर बन गई बात तो, समझ गए। चलिए पॉइंट नंबर एट कह रहा है इंग्लिश की एक ही लाइन में ना तीन तीन प्रोनाउन एक साथ आ जाएंगे, जैसे यू ही एंड आई आर डाकू, समझ गए। एक हमने कहा आई यू एंड ही आर लेबोरियस, ये आर से चिपक गया था, यू ई आर ओ लेबोरियस ओनेस लिखा गया, चलो एक ही बात है, कोई बात नहीं, उधर से अपने को मतलब नहीं, इधर से मतलब है। तीसरा मैंने बना दिया वी यू एंड दे आर हैप्पी। पहली चीज जो आपको ध्यान करनी है, पर्सन अलग अलग है, देखो तीन तीन प्रोनाउन है और तीनों के पर्सन बिल्कुल अलग अलग है, अगर आप ध्यान दे रहे हो तो। तीनों के पर्सन बिल्कुल अलग अलग हैं अगर आप ध्यान दे रहे हो तो, है ना। अब रूल क्या कह रहा है, ध्यान से देखना, रूल कह रहा है तीन प्रोनाउन एक साथ आए और अगर वो तीनों के तीनों सिंगुलर हो, ध्यान से देखो, यू ही आई सिंगुलर, आई यू ही सिंगुलर, जबकि वी यू दे प्लूरल। आई सिंगुलर होता है, यू दोनों का काम करता है सिंगुलर प्लूरल, और ही सिंगुलर होता है। तो ये केस कब लग रहा है, जब तीन प्रोनाउन है और तीनों कैसे हैं सिंगुलर। तो आपने ये चेक करना है तीनों मिलके अच्छी बात कर रहे हैं या बुरी, तीनों मिलके कुछ अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा। अगर बुरा काम करते हैं ना तो सीक्वेंस आता है 1 2 3, और अच्छा काम करते हैं तो सीक्वेंस आता है 2 3 1। 1 2 3 से यहां हमारा मतलब है फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन, और 2 3 1 से हमारा मतलब है सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन। बड़ा बेसिक और आसान सा रूल है, बड़े हल्के से पेपर में आएगा, बहुत अच्छे लेवल का पेपर है तो नहीं आएगा, बहुत बेसिक रूल है। क्योंकि तो अब ध्यान से देखो, अच्छाई के लिए 2 3 1 का सीक्वेंस था, बुराई के लिए 1 2 3 का सीक्वेंस था, समझे। अब यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं रोबर डाकू होना तो बुरी बात है ना, बुरी बात है तो यू ही आई नहीं, क्या होना चाहिए, आई यू और ही। जबकि ईमानदार होना तो अच्छी बात है और अच्छी बात के लिए सीक्वेंस होना चाहिए 2 3 1। मैंने क्या लिख रखा है 1 2 3, तो इसे करना होगा यू ही आई। बताओ बात दिमाग में गई हो तो, अरे वाह आंसर तो सारे ठीक दे रहे हो, बताओ अगर बात दिमाग में गई है तो। अच्छी बात 231, बुरी बात 123।
जरूरी नहीं है तीन प्रोनाउन एक साथ हो, दो दो पे भी लगेगा रूल सेम। अब अगली बात सुनो, अगर ये तीनों प्लूरल हो जाएं तो अच्छी बात या बुरी बात कोई फर्क नहीं पड़ता, सीक्वेंस चाहिए 1 2 3। अगर तीनों प्रोनाउन प्लूरल हो जाएं तो चाहे बात अच्छी चाहे बात बुरी, सीक्वेंस क्या चाहिए 1 2 3। यस, ऑलरेडी सही है ये, क्योंकि वी फर्स्ट पर्सन है, थर्ड में कुछ है ही नहीं बच्चों, थर्ड नो एरर है क्योंकि वी यू और दे तीनों प्लूरल हैं और प्लूरल के केस में एक ही सीक्वेंस है 1 2 3, चाहे बात अच्छी चाहे बात बुरी, हमेशा एक ही सीक्वेंस होगा 1 2 3। बाय टाटा, खुश रहना।